जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि YouTube हर आए दिन अपनी पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट्स लाता रहता है। तो अभी जनवरी 5 के बाद से कुछ नए अपडेट आए हैं, तो वो अपडेट क्या हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये आपकी यूट्यूब जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। पहला है कि मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट टू एक्सपेक्ट। इस पॉलिसी के अंतर्गत YouTube ये कह रहा है कि YouTube हमको बताएगा, हमारे साथ और ट्रांसपेरेंट रहेगा कि ये अपनी पॉलिसीज़ को कैसे डेवलप करता है, कैसे इम्प्रूव कर रहा है। और इस अपडेट के लास्ट में ये बोल रहा है कि वाई वी मेक चेंजेस एंड अपडेट्स एंड द एडवांस्ड नोटिस दैट वी प्रोवाइड टू यू। ये हमको एक एडवांस नोटिस देगा। और सबसे अजीब मुझको ये लग रहा है कि ये बताएगा कि ये अपने अपडेट में क्यों, मतलब क्यों अपडेट कर रहा है। अब ये तो मुझको पॉसिबल नहीं लग रहा है कि ये बताएगा, क्योंकि भाई YouTube क्या करेगा, क्यों करेगा, वो हमको क्यों बताएगा। अब देखते हैं। अगला है जनरल अपडेट्स फॉर इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी। होता क्या है कि YouTube की ना इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि क्या क्या पढ़ा जाए। और फ्रेंकली स्पीकिंग कि बहुत कम लोग ही पूरी पॉलिसीज को पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबी है। तो इस अपडेट के ज़रिए ये बोल रहा है कि हम अपनी जो भी रीडेबिलिटी है, मतलब जितना भी हमारा लिखावट है, उसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, व्यवस्थित करेंगे कि जो कोई भी नया यूज़र आएगा तो उसको अच्छे से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। और ख़ास तौर पे बोल रहा है कि अकाउंट जो सस्पेंशन होते थे, टर्मिनेट होते थे, तो उसको और अच्छे से हम लोग बताएंगे और अच्छे से उसको व्यवस्थित करके लिखेंगे कि पढ़ने वालों को अच्छे से समझ में आ पाए। अगला अपडेट है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेके। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अब तक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में जो कुछ भी पॉलिसीज थी अभी भी वैसे ही बना हुआ है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। हाँ, एक चीज़ ये लोग किए हैं कि बोल रहे हैं कि अगर आपको कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो हम YouTube वाले और आपसे ट्रांसपेरेंट होंगे और आपको अच्छे से बताएंगे कि आपने क्या गलती किए हैं, क्यों आपका अकाउंट टर्मिनेट हुआ है, और जो भी कुछ रीज़न होगा ये बोल रहे हैं कि हम बताएंगे। जबकि मुझको तो क्या, देखो क्या होता है क्या नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि इसके पहले मेरे कई चैनल्स टर्मिनेट हुए हैं। मेरा एक इंचेंटेड ब्रेन चैनल था जो अभी भी है, उस चैनल पे मैंने कुछ गलत किया नहीं था, लेकिन YouTube ने जब उसको रिव्यू किया, जब मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए गया था तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाता था, रिव्यू में YouTube बोल दिया कि आप दूसरे की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, कॉपी कॉन्टेंट, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद मेरा एक और चैनल है आज की डेट में भी, उसके लिए मैं मांग रहा हूँ 100K के ऊपर है, उसके लिए मैं मांग रहा हूँ कि मुझको वो सिल्वर प्ले दिया जाए, तो YouTube नहीं दे रहा है। मैं रीज़न पूछ रहा हूँ तो वो रीज़न भी नहीं बता रहा है, बोल रहा है कि आपका चैनल जो है बाकी चैनल से मैच कर रहा है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। तो मैं कितनी बार बात कर रहा हूँ, इवन चैट में भी बात करता हूँ, तो वो लोग कंटिन्यूसली एक ही बात रिपीट करते जाते हैं। तो अब ये अपडेट के ज़रिए बोल रहा है ये YouTube की भाई हम अच्छे से आपसे बात करेंगे और ट्रांसपेरेंट रहेंगे। अब देखते हैं कितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, मुझको तो लगता नहीं, क्योंकि मैंने जितना अब तक महसूस किया हूँ और जैसा मेरे साथ हो रहा है मैं वही चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। अगला अपडेट है जहाँ की ज़्यादा चेंजमेंट हुआ है, और नंबर 5 ये रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी YouTube पे आजकल न्यूज़ चैनल बना रहे हैं या फिर करेंट अफेयर्स की वीडियोस जो लोग बनाते हैं, तो ये अपडेट वो लोग के लिए है। अगर आप न्यूज़ रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो आपको YouTube एक फॉर्म देगा, आपको उस फॉर्म को फिल करके YouTube को सबमिट करना है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ेगा। अब ये चेंजमेंट इसलिए किए होंगे क्योंकि न्यूज़ चैनल्स, मैंने भी देखा हूँ, कई लोग इतनी फेक बातें, इतना फेक न्यूज़ बना रहे हैं कि ऑडियंस पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है और ऑडियंस मिसगाइड होती है। ऐसे में नॉलेज अगर गलत मिलेगा तो ऑडियंस कुछ भी सुनती है, कुछ भी समझती है। तो ये वो लोग के लिए ये खास अपडेट लाया गया है। तो अगर आपका भी न्यूज़ रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड चैनल है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अच्छा कंटेंट बनाइएगा, क्योंकि आप अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नज़र में आने वाले हैं। कुछ भी अगर आप गलत काम करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, आपका चैनल तो जाएगा ही जाएगा और आपका करियर भी डूब सकता है। आज भी मैं YouTube पे देखता हूँ ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स ना गलत गलत बना रहे हैं, न्यूज़ भी गलत गलत बना रहे हैं। तो अब YouTube तो आप पे ध्यान रखता था या नहीं रखता था पता नहीं, लेकिन अब आपके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान रखेगी, तो गलत चीज़ें ना करें। इस अपडेट के बारे में इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।
सीताराम।